डायबिटीज आजकल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जिसका प्रबंधन सही आहार और जीवन शैली के माध्यम से किया जा सकता है। इस महामारी के प्रबंधन में कुछ खास तरीन खाद्य पदार्थों का सेवन करना उत्तम हो सकता है, जो डायबिटीज को नियंत्रित करने और उसके कमजोरियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और उन्हें इस महामारी से बचाव में मदद कर सकते हैं। ब्रोकोली। ब्रोकोली एक क्रूसिफेरस हरी सब्जी है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। यह एक सुपरफूड के रूप में जाना जाता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। कैलोरीज। ब्रोकोली में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, जिससे वजन कम करने में सहायता मिल सकती है। कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, जिससे शुगर का स्तर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ब्रोकोली में मौजूद फाइबर शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद कुछ विटामिन और मिनरल्स इंसुलिन की सही रिस्पॉन्स को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। इसका नियमित सेवन वजन कम करने में सहायक हो सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रोकोली को उबालकर, स्टीम करके या सलाद के रूप में लेकर इसका सेवन किया जा सकता है। इसे अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर भी बनाया जा सकता है। हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और अन्य पत्तेदार सब्जियां डायबिटीज के मरीजों के लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकती हैं। इनमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक की अच्छी मात्रा होती है। पत्तेदार सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, जिससे शुगर का स्तर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इन सब्जियों में मौजूद विटामिन सी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद कर सकता है। मैग्नीशियम और सेलेनियम की मौजूदगी से इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करने में मदद मिल सकती है। इनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स इंसुलिन के सही रिस्पॉन्स को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। पालक, मेथी और अन्य पत्तेदार सब्जियों को सलाद, सब्जी या सूप के रूप में बनाकर इन्हें अपने भोजन में शामिल किया जा सकता है। अवोकेडो। अवोकेडो एक सुपरफूड है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। इसमें हेल्दी फैट, विटामिन सी, विटामिन ई और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करने वाले बीटा सिटोस्टेरॉल भी पाया जाता है। अवोकेडो में मौजूद हेल्दी फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और ई इंसुलिन की सही रिस्पॉन्स को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अवोकेडो की अच्छी फाइबर मात्रा से शुगर का स्तर कंट्रोल में सहायक हो सकती है। अवोकेडो को सैलड्स, सैंडविचेस या एकल व्यंजन के रूप में लेना उपयुक्त हो सकता है। इसका मशहूर डिश गुएकमोले भी एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। दही। दही एक प्रमुख दूध उत्पाद है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है। यह लौह और फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत हो सकता है। दही का सेवन करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार हो सकता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स गट फ्लोर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। दही का सेवन शुगर का स्तर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और डायबिटीज के कमजोरियों को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। दही को सीधे या फलों के साथ खाना, रायता बनाना या स्मूदीज में शामिल करना एक स्वास्थ्यप्रद विकल्प हो सकता है। मेथी दाना। मेथी एक औषधीय और पौष्टिक गांधार है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकती है। मेथी दाना में फाइबर, आयरन और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसमें अल्कलॉयड्स, स्टेरॉइड्स और फेनोलिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। मेथी दाना का सेवन करने से शुगर का स्तर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और वजन कम करने में सहायक हो सकती है। मेथी दाना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कैंसर और अन्य रोगों से बचाने में मदद कर सकते हैं। मेथी दाना को सब्जी, सलाद या दाल के साथ मिलाकर लेना एक स्वास्थ्यप्रद विकल्प हो सकता है। ये खाद्य पदार्थ डायबिटीज के मरीजों के लिए सेहतमंद और सतत ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि सभी इन्हें अपने डाइट में शामिल करने से पहले एक चिकित्सक से परामर्श लेना उचित है, क्योंकि हर व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और डाइट की आदतें अलग हो सकती हैं। साथ ही नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना भी डायबिटीज के प्रबंधन में मदद कर सकता है।